गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स की वर्कशीट करेंगे जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। वर्कशीट नंबर 24, सिक्स क्लास की वर्कशीट है ये, 17 दिसंबर 2020 की। ठीक है, तो चलिए देखिए, दशमलव की इकाइयां, लंबाइयां, भार, धन, हमने लास्ट वर्कशीट में भी यही डिस्कस किया था और आज उसी का कंटिन्यूएशन है। तो देखिए, लंबाई सबसे पहले क्या लिखा है, लंबाई। लंबाई में क्या कह रहा है कि लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है। आइए देखें मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई। लीना एक लड़की है जो कि अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है, तो उसके पास जो टेप है वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर वाला टेप है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। अब मोहित लंबाई के मीटर में मापने में उसकी किस तरह मदद करता है। लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई सेंटीमीटर में। लीना ने जो नापा उस पौधे की लंबाई वो 186 सेंटीमीटर कह रही है। मोहित ने कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। ठीक है, ये बच्चों आप लोग लर्न कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे मेरे दो जीरो हैं, अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँगी तो 0.01 हो जाएगा, यानी कि दो डिजिट्स के बाद मेरा पॉइंट लग जाएगा। और पौधे की लंबाई 100 सेंटीमीटर प्लस 86 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर हो गया, और 86 सेंटीमीटर को इसने 86/100 लिखा। ठीक, तो 1 मीटर प्लस 0.86, इसको चेंज कर दिया, 0.86 लिख दिया। जब दोनों को मैंने प्लस किया तो कितना आया, 1.86। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा आपको। भार, भार क्या होता है, बेसिकली वजन की बात की जा रही है। मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन और 800 ग्राम कद्दू खरीदा। ठीक है, आओ मीना की ये जानने में मदद करें कि उसको टोकरी में कितना किलोग्राम भार उठाना है। सब्जियों का कुल भार चेक करो, 250 ग्राम क्या है आपका, 250 ग्राम टमाटर है, 700 ग्राम बैंगन है, 800 ग्राम कद्दू है। जब सबको प्लस किया तो कितना आया उसको, 1750 आया, 1750 ग्राम आया। लेकिन जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1 ग्राम जो होता है 1/1000 किलोग्राम की बराबर होता है। तो अगर 1750 ग्राम है तो इसका मतलब 1000 ग्राम हो गए उसके अंदर, और 750 ग्राम अलग कर दिए हमने। ठीक है, दोनों ही हमने अलग अलग कर लिए। अब 1000 तो हमने एज इट इज़ लिखा, प्लस 750 को ये जो ग्राम है, 1000 किलोग्राम, ये किलोग्राम हो जाएगा और ये ग्राम। तो 750 को ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से हमने उसको भाग कर दिया, तो ये भी हमारा किलोग्राम में आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये दिखाया गया है। फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, ये तो था 1 किलोग्राम, इसको भी हमने 0.750 लिखे, नीचे 3 जीरोज़ हैं तो 3 के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा ऊपर, तो ये आ गया आपका किलोग्राम। इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया 1.750 किलोग्राम। ठीक है, अब धन की बात की जा रही है। धन में कहा जा रहा है, कार्तिक के पास 70 नोट 10 रुपए के और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कार्तिक की मदद करें कि उसके पास कुल कितने रुपए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 पैसा में 1/100 रुपए होते हैं, तो कुल 10 रुपए के उसके पास कितने हैं, 70 नोट हैं, तो हमने 70 को 10 से गुणा कर दिया। ऐसे ही 50 पैसे के उसके पास 6 नोट हैं, 6 सिक्के हैं, तो हमने 50 को 6 से गुणा कर दिया। तो जब हमने देखा 70 को 10 से गुणा किया तो 700 आ गया, 6 को 50 से गुणा किया तो 300 आ गया, 70 रुपये एज इट इज़ लिखा, और 300 पैसे को जब रुपए में बदला तो हमने 100 से भाग कर दिया, तो हमारे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 700 प्लस 3 तो कितना आ गया, 703 रुपए। ठीक है बच्चों, तो निम्नलिखित को बदलिए। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है बदलिए, 1915 मीटर लिखा है, अब इसको हमें किलोमीटर में बदलना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे 1, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो 1000 का मतलब नीचे 3 जीरो के करने के लिए हमने 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 1.917 आ जाएगा, 915 आ जाएगा। 155 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1.55, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। 250 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो हमें पता है, तो 2.5
50 क्या आ जाएगा, रुपए आ जाएगा। ठीक है, 900 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है हमें, तो क्या हो जाएगा 0.900, क्योंकि हमें पता है कि एक ग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 1000 का मतलब 3 जीरो होते हैं, तो 3 के बाद यहाँ पे सीधे डेसिमल लगा देंगे। 6800 ग्राम्स में कितना किलोग्राम्स होते हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ग्राम में 1000 किलोग्राम होते हैं और 1000 किलोग्राम में 3 जीरोज होते हैं। जब डेसिमल नीचे 3 जीरोज हटाएंगे तो ऊपर हमारा 3.3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 215 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 2.15 सेंटीमीटर होते हैं। 500 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो हमारे पास 500 पैसे में 5 रुपए होते हैं। ठीक है, तो और बाकी यहाँ पर भी साइड में आपको लर्न करने के लिए दिया गया है कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये सारे बच्चे, सभी बच्चे ये ज़रूर याद करेंगे ताकि हम इजीली कन्वर्ट कर पाएँ। उतने ही के बाद अगर हम छोटे यूनिट से किसी बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम भाग करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है। अब हमें पता है 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे कि मैं, अगर मुझे 4 मीटर को अगर मुझे किलोमीटर में बदलना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 को 1000 से भाग करना होगा। ठीक, तो जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम भाग करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पर भाग करना सीखना है, हमें यहाँ सारे ही छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके बेटा, चलिए, तो आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी दिक्कत है तो मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।